गुड इवनिंग एवरीवन। हम आए जेटलिक डायमंड अगर दिल्ली से। ये देखिए हमारे साथ आए शिमला से जो सर। आपका नाम क्या है? माई सेल्फ अक्षय फ्रॉम शिमला। कैसा लग रहा है इधर आके सर? बहुत अच्छा लग रहा है और इनिशियल स्टेज दिख रहे हैं कि अगरवुड की इनोकुलेशन के बाद उसका रिजल्ट कैसा है, उसका हार्वेस्ट किस तरह होता है। ये देखिए सेलाइन का जो प्रोसेस है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। 12 मंथ का रिजल्ट है ये। और ये सर अभी जैसे कि आप रिजल्ट देख रहे हैं, इसका आगे का आपका क्या रहेगा इनिशिएटिव? मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ इसकी। हमने भी स्मेल भी लिया जो सेलाइन मेथड का, जी तो काफ़ी एडिक्टिव स्मेल है। मन नहीं कर रहा है कि इसको छोड़े, बार बार स्मेल करने का मन कर रहा है। सो फर्दर इनिशिएटिव ये है कि इसको हम शिमला में एक्सपेंड करेंगे और जिस हिसाब से इसका मार्केट वैल्यू और डिमांड है, सो हमारी फुल इनिशिएटिव रहेगा कि इसको फुली जितना भी होगा हम इसको नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में भी एक्सपेंड करेंगे। जैसे कि अभी तो शिमला में कोई अगरूद का पेड़ नहीं है अभी जी। जो फर्स्ट टाइम आप वहाँ पे प्लांटेशन करेंगे शायद जी, ओ शायद वहाँ पे आप रिवोल्यूशन एक हाँ, सो आई एम गोना बी लाइक द फर्स्ट वन यू नो राइटिंग द चैप्टर। काफ़ी प्राउड फीलिंग है अगर रेवोल्यूशन लाएंगे। जो लोकल हमारे फार्मर्स हैं जिनको अपनी हार्वेस्ट का जो जिस चीज़ की भी अभी खेती कर रहे हैं उनको प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल पा रही है, जी जी तो होपफुली अगर वुड में इंक्लूड होने के बाद उनको अपने इनिशिएटिव एफर्ट की वैल्यू भी पूरी अगर वुड के थ्रू मिलेगी, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ दैट ब्लैक डायमंड। यस, आई थिंक आफ्टर 50 और 100 ईयर्स हिस्ट्री योर नेम विल बी रिटन इन द हिस्ट्री बुक्स। दे माइट पुट माय स्टैच्यू ऑन लाइक अ मेन स्ट्रीट यू नो एंड से लाइक ही वाज द गाय हु बॉट लाइक द अगरवुड इनटू द नॉर्दर्न स्टेट्स। और क्या है कि अवेयरनेस भी नहीं है अभी इस चीज के बारे में नॉर्थ पार्ट में, तो नाइस नाइस। Let's go. Rock and roll, yes. And let's start the revolution in north part of India as well. Thank you so much. Lovely. Bye.